हेलो साथियों, कैसे हो आप? उम्मीद है सब मजे में होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल डब्ल्यू एस एम खान में। आज मैं आपको एक नए बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ कि आप पढ़ लिख गए हैं और आपको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, आप दर दर जो है धक्के खाते फिर रहे हैं, तो आप जो है अपना बिजनेस बहुत ही कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हैं। पढ़े लिखो वाला काम है, बैंक से आप जुड़ सकते हैं बैंक मित्र के थ्रू। तो मैं SBI बैंक का बैंक मित्र हूँ, तो उसका प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे आपको क्या क्या एग्जाम पास करने हैं, कहाँ से क्या क्या काम करवाने हैं। उसके बाद आपको किसी भी बैंक का पॉइंट मिल जाता है और आप बैंक के थ्रू जोड़कर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, और जो है अच्छी खासी इमेज भी इसमें बनी ही रहती है। मेरे सेंटर का नज़ारा आप देख सकते हैं, और मैं इसको जो है बैक कैमरे से दिखाता हूँ। इसको ये देख सकते हैं, मेरा CSP सेंटर का ये नज़ारा है, और जो है बहुत ही बढ़िया जो है काम रहता है आपका। ये सारी सुविधाएं आपको देखने को मिलती हैं। अगर सुविधा का चार्ट आपको देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं आप। खाता खोलना होता है, जमा हो जाता है, पैसा निकासी हो जाती है, ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, तत्काल मनी ट्रांसफर, RD यानी कि फिक्स डिपॉजिट होता है, और जो है छोटे मोटे लोन भी हो जाते हैं, और ATM सुविधा भी होती है, और पासबुक प्रिंटिंग की सुविधा भी है मेरे सेंटर पर। दे सकते हैं आप, मैं किताब प्रिंट करके दे देता हूँ, उस पर भी जो है 5 रुपये कमीशन मुझको बैंक देती है। तो इस तरह से जो है ये, और ये जो है बाहर का गेट है हमारा, फिलहाल जो है यहाँ से आवाज़ आ रही थी काफ़ी सारी, तो ये मैंने बंद कर दिया था। तो जो है बोर्डिंग आपको अच्छी खासी बढ़िया करके बनानी है, और बाहर का अगर नज़ारा मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा, तो इस तरह से देखने को मिलेगा। जीरो बैलेंस के खाते जो खुलते हैं वो इन्हीं सेंटर पर खुलते हैं, तो ये दे सकते हैं आप। और उनमें क्या क्या आप काम कर सकते हैं वो भी जानकारी मैं बताऊंगा। पहले बताता हूँ आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। इस तरह से आप पासबुक प्रिंटिंग आपको मिल जाती है बैंक के थ्रू, और यह एंट्री करने का जो है वो मिल जाता है, क्या कहते हैं इसको, रजिस्टर। और इसके अलावा आपको जो है इस तरह का पोर्टल, आपको एक कोड जनरेट हो जाता है, उसके थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं। ये पैसा निकालने का ऑप्शन है यहाँ पर, ये मनी ट्रांसफर का है, ये जो है ATM का है, और ये जो है चेकबुक इशू करने का है, ATM ब्लॉक करने का है, बाकी अदर सर्विसेज हैं। और अगर खाता खोलना होता है तो यहाँ से इंस्टेंट अकाउंट जनरेशन है, यहाँ से तुरंत खाता जनरेट हो जाता है 5 मिनट में, तो ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। उसके अलावा अगर ATM के थ्रू आप पैसा निकालना चाहें तो ATM की सुविधा है, ATM मशीन है जो बैंकों में अक्सर आपने लगी भी देखी होगी। उसके अलावा अगर आपको पासबुक प्रिंट करना है तो ये प्रिंटर मिलता है, 36,000 रुपये का मुझे प्रिंटर मिला था बैंक की तरफ से। तो यहाँ पर अगर आपको इसको प्रिंट करना होता है तो यहाँ से आप कमांड देंगे पासबुक प्रिंटिंग, तो इस तरह से जो है थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। प्लीज़ स्कैन द बार कोड, यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है ये यहाँ से प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ये फॉरवर्ड का बटन है और रेडी का इसके ऊपर है। इस तरह से यहाँ देख सकते हैं आप, ये किंडली प्लेस योर पासबुक इनसाइड द प्रिंटर एंड प्रिंट दी बटन। अब प्रिंट पर क्लिक करेंगे आप, तो उसके बाद जो है किताब छपनी स्टार्ट हो जाती है। ये देख सकते हैं इस तरह से किताब छप जाती है, फर्स्ट पेज पे ही छप गई, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, पहले पेज पे लगी हुई थी। ये देख सकते हैं एंट्री हो चुकी है इसकी किताब की, और इस तरह से जो है आप पासबुक प्रिंटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो ये अगर आपको क्योस्क पोर्टल लेना होता तो सबसे पहले आपको जो है पुलिस वेरिफिकेशन थाने द्वारा बनवाना होता है, मतलब आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आपके खिलाफ कोई भी मतलब मुकदमा नहीं होना चाहिए, तो पुलिस वेरिफिकेशन बनता है। अगर वो आप कोई भी मुकदमा नहीं है आपके खिलाफ, तो वो आप 50 रुपये की फ़ीस कट के UP कोब एप्लीकेशन से उसको डलवा सकते हैं। इसके अलावा फिर चाहिए आपको IAVF, ये जो है बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है, उसका स्क्रीनशॉट मैं साइड में लगा देता हूँ कि इस तरह का सर्टिफिकेट होता है। इसको जो है आप ऑनलाइन करने के बाद किसी भी नियर बाई सेंटर पर जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसमें पास होना अनिवार्य होता है। IAVF एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको ब्रांच में जाकर संपर्क करना होगा, कोई भी नियरेस्ट ब्रांच में जा सकते हैं, जहाँ स्टेट बैंक की हो, बैंक ऑफ बड़ौदा की हो, बैंक ऑफ इंडिया की हो, या प्रथमा बैंक की हो, उसमें मैनेजर साहब से आपको जाकर बातचीत करनी है कि ऐसे ऐसे जो है मैं बेरोज़गार हूँ, मैंने ये एग्ज़ाम पास कर रखे हैं, मुझे जो है एक ईमेल भेज दीजिएगा, किसी भी कंपनी को आप पकड़ सकते हैं। इसकी जो कंपनियां होती हैं, पे पॉइंट कंपनी है हमारी, इसकी पे पॉइंट इंडिया नेटवर्क, कहीं पर भी आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं हमारी SBI की। और एक तो ये सेफ सॉल्यूशन होती है, मतलब कई सारी कंपनियां हैं, वो नेट पर आप सर्च कर सकते हैं, वह फिर उसके जो है
मैनेजर साहब से कहिएगा आप उनको जो है मेल कर दीजिएगा, या मैनेजर साहब के कांटेक्ट में बंदे ये एरिया मैनेजर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर ये संपर्क में होते हैं, तो मैनेजर साहब से कहिएगा वो एक ईमेल करेंगे इन कंपनियों को, और जो है कंपनी आपके कागज लेके आधार पैन बैंक स्टेटमेंट और आपकी सिविल रिपोर्ट, सिविल भी अच्छी होनी चाहिए, सिविल रिपोर्ट और आई ए बी है पुलिस वेरिफिकेशन, और इसका रेंट एग्रीमेंट होता है दुकान का कि आपके दुकान किराए पे है या मतलब खुद की है, और एक बिजली बिल, ये सब कागज़ लेकर वोटर आईडी, ये सारे कागज़ लेकर वो जो है अप्लाई कर देंगे, आपको 25,000 रुपये सिक्योरिटी की फ़ीस जमा होती है, बाकी वो एक्स्ट्रा जो ले भी लेते हैं थोड़े बहुत मतलब 10-20,000 रुपये ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको जो है प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, मैनेजर साहब अगर आपका जो है लेटर बना कर दे देते हैं, मैनेजर साहब जो है एक ईमेल करेंगे और एक आपको लेटर बना कर देंगे कि जो है बैंक में जो है बैंक मित्र की आवश्यकता है और यहाँ जो है काफ़ी भीड़ रहती है खातेधारकों की या छोटे मोटे लेन देन करने वालों की, तो इस तरह से वो एक ईमेल बना कर देंगे कंपनी को, तो ईमेल के थ्रू जो है आपका काम स्टार्ट हो जाएगा और एक वो है सर्टिफिकेट बना के देंगे आपको, तो कंपनी जो है उसके बिहाफ पर आपका वीसी अकाउंट यानी कि वीसी करंट अकाउंट होता है, वो बिना टैक्स वाला आप करोड़ का भी लेन देन कर सकते हैं, मतलब पब्लिक का लेन देन होता है वो, कोई भी उसमें जो है टैक्स नहीं पड़ता, तो वो खाता खोल के देगी और आपका कोड जनरेट होगा, एक कोड इस तरह से होता है मेरा यूज़र कोड ये है, तो इस तरह से जो है आपको यूज़र कोड मिल जाएगा और आप जो है काम करना स्टार्ट कर देंगे, कंपनी जो है एक महीने के अंदर अंदर जो है आपकी प्रक्रिया स्टार्ट कर देती है, और थोड़ा मतलब 1-2 महीने का डिले हो सकता है, उसके बाद आपको जो है कोड जनरेट हो जाता है, कोड जनरेट होने के बाद आपके जो है सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद आपको जो है काम रेडी हो जाता है, आपको एक लैपटॉप अपने पास से परचेज करना पड़ेगा, और ये मतलब पासबुक प्रिंटिंग मशीन भी अपने पास से परचेज करनी पड़ती है, बाकी जो देसी प्रिंटर होते हैं फोटो कॉपी और फोटो वाले, तो ये भी अपने पास से परचेज करने होते हैं, केवल जो है वो कोड ही कोड देते हैं, बाकी कुछ नहीं देंगे कंपनी वाले या बैंक वाले। मशीन के पैसे 7500 रुपये गए थे और 40,000 का हमारा लैपटॉप था, और जो है 36,999 का ये प्रिंटर था, बाकी थोड़ा बहुत सामान होता है, बाकी और कुछ नहीं होता। और आपको जो है कैमरे जो है मस्ट लगाने होते हैं, कैमरा ज़रूरी होता है, क्योंकि कैमरे से आपका कोई पैसा लेकर चला गया फिर झूठ बोल देता है बाद में कि मैंने पैसे नहीं लिए, तो उसके लिए जो है कैमरा बहुत ज़रूरी होता है। मेरा कैमरा एक पीछे लग रहा है और एक ये सामने लग रहा है, बाकी एक बाहर लग रहा है, इसकी डिस्प्ले ये चल रही है, तो इसका पूरा सेटअप आपको बनाना होता है तभी आप जो है काम कर पाएंगे। और रजिस्टर कई सारे होते हैं, अकाउंट ओपनिंग रजिस्टर भी होता है, जैसे अकाउंट ओपनिंग है इस तरह से जो है खाते की डिटेल इनमें लिखी जाती है, कितने आपने खाते खोले, कितना किया करा, उसके बाद इसके अलावा आपके पास एक विजिट रजिस्टर भी दिया जाता है, कौन कौन लोग विजिट करने आते हैं, ये विजिट रजिस्टर होता है, एरिया मैनेजर या बैंक मैनेजर जो भी विजिट करने आते हैं तो उसमें जो है डिटेल लग जाते हैं कि आपका जो सेंटर जो है किस दशा में चल रहा है, सही चल रहा है, कोई कंप्लेंट तो नहीं है, तो इस तरह से विजिट करने के लोग अधिकारी टाइम टू टाइम आते रहते हैं, तो इस तरह से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अकाउंट ओपन करने का कोई चार्ज नहीं होता, बट जो है कस्टमर से 100 रुपये या 200 रुपये बैंक मित्र ले लेते हैं, तो आपके अगर 5 खाते भी रोज़ के खुलते हैं या 2-3 भी, तो अच्छे खासे 400-500 रुपये ऐसे कम जाते हैं, बाकी इस पर APS पर कमीशन मिलता है, पासबुक प्रिंटिंग पर, ATM पर, डॉल पर, और मतलब सभी चीज़ों पर कमीशन मिलता है, तो अच्छा खासा आप 15-20,000 रुपये या 25,000, और कुछ लोग 50,000 भी कमा रहे हैं, तो इस तरह से आप जो है मतलब बेरोज़गार हैं तो ये रोज़गार मिल जाएगा आपको, तो आप आराम से 25-30,000-50,000 तक इजीली महीने के कमा सकते हैं। कोई भी मतलब प्रेशर होता, थोड़ा बहुत बीमे करने का प्रेशर होता है, यानी कि जो बीमे होते हैं ये सुरक्षा बीमा योजना नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री जी ने अनिवार्य कर दिए हैं, तो इसका प्रेशर ज़्यादा रहता है, अगर बीमा 436 रुपये का बीमा करिएगा वार्षिक प्रीमियम, जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उसके अलावा अटल पेंशन योजना, इन तीनों बीमों पर ज़्यादा बैंक जोड़ देती है और कंपनी भी, इसका प्रेशर ज़्यादा रहता है, बाकी कोई प्रेशर खास होता नहीं है, तो आप जो है मतलब अपना काम समझ के मतलब अपना बिजनेस करके इसको काम कर सकते हैं। कोई काम पड़ गया आपका तो कभी भी शटर गिराइए और घर से ले जाइए, किसी भी काम के लिए आप जा सकते हैं, तो कोई इतना तगड़ा प्रेशर नहीं रहता है, तो इस तरह से आप जो है किसी कहीं पर भी CSP का काम डाल सकते हैं, अगर आपके एरिया में कोई CSP नहीं है तो।
और आपके एरिया में ज़्यादा CSP हैं तो आपको CSP पॉइंट नहीं मिलता। तो इस तरह से जो है आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा बढ़िया बिजनेस है। तो मैंने इसकी डिटेल में आपको जानकारी दी है, अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो मेरा सेंटर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा। बाकी मैं थोड़ा इसको जो है जूम आउट करके दिखा देता हूँ, ये दे सकते हैं इस तरह का मेरा जो सेंटर आपको देखने को मिलता है। ये बोर्ड लगे हुए हैं, सारे मेन बोर्ड आपको लगाने पड़ते हैं, ये दे सकते हैं आप बोर्ड लगे हुए। इसके अलावा ये मतलब बाहर का जो शीशे का गेट है, आज थोड़ा भीड़ कम है, बैंक बंद है, तो इसकी वजह से आज जो है। और हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, किसी भी फ़ोन पे या गूगल पे से अपने खाते में पैसे मत डलवाइएगा। इसके लिए जो है ये साइबर क्राइम वाले बिल्कुल मना कर देते हैं कि आप जो है किसी भी मतलब फ्रॉड आदमी से लेन देन मत करिएगा, फिंगर से ही लेन देन करिएगा। मान लो कोई हैकिंग करके अपने फ़ोन पे में पैसे इकट्ठे करके आपको पे कर देता है तो वो पकड़ा जाता है, तो वो आपको भी पकड़वा देगा, तो उससे ज़्यादा आपको दिक्कत पैदा हो सकती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो लेन देन की आईडी दी है उसी से आपको लेन देन करना होता है। तो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।